अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर सचिन पायलट पहुंच गए, अब सचिन पायलट भी चुप रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको यहाँ पर सचिन पायलट क्या कुछ कहते नजर आए हैं, किस तरीके से अपना चुनावी अंदाज दिखाते नजर आए। उसके बाद सवाल हम करेंगे तो जवाब की उम्मीद भी करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर देंगे। अब चलिए पहले खबर आपको बता देती हूँ कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित कांग्रेस की चुनावी जनसभा में ऐसा कह दिया कि जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार का पहला इंजन 12 नवंबर को हिमाचल में सीज हो जाएगा। जनता ने विश्वास के साथ भाजपा को सत्ता में आने का मौका दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती, पेपर लीक और न जाने कितने घोटाले हुए हैं। प्रदेश में सड़कों, स्वास्थ्य संस्थानों, बिजली और स्कूलों का हाल बेहाल हो गया है। अब 5 साल पूरे होते होते यहाँ पर सरकार ने बिना बजट के सैकड़ों शिलान्यास और लोकार्पण कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हफ्ते हिमाचल आते हैं, वही बहुत सारे नेता आएंगे और लंबे लंबे भाषण भी देते नजर आएंगे, लेकिन हिमाचल की जनता को भाजपा की नीति, नियत, कथनी और करनी में फर्क को पहचानना है। सचिन ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई, तब से हिंदुस्तान में अमीर और गरीब की खाई जो है वो और भी बढ़ गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 47 साल में इतनी बेरोजगारी हुई ही नहीं जितनी आज है। चीन हमारी सरहद में घुस गया, कई जगह कैंप बना लिए, लेकिन केंद्र सरकार रोक नहीं पाई। जनता महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछते तो भाजपा मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बातें करने लगते हैं। किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद 3 कृषि कानून वापस लिए, नोटबंदी से न काला धन वापस आया और न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। पिछले 5 सालों में कोई नया उद्योग हिमाचल में नहीं लगा, अगर लगा है तो मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मंत्रियों के दौरे बता रहे कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, यानी कि डर लग रहा है और हिमाचल सरकार के दम पर वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस की एकजुटता से 90% जीत मिल गई है, भावना से बहकर वोट डालने का प्रकरण चलता है, लेकिन बहकावे में नहीं आना है। सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद काम ना करवा सके तो उन्हें विधाई दो। वह कुटेहल के समूर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा के बाद में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू किया गया है, अब हिमाचल की बारी है, सभी वायदे पूरे किए जाएंगे, परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में है। डबल इंजन की सरकार से जनता पूरी तरह निराश है और यहाँ जनता बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री का यहाँ बार बार आना भाजपा की कमजोरी को दर्शा रहा है। किसानों को धकेलने का काम भाजपा ने किया, किसानों की पीड़ा बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया। चिंतपूर्णी विश्व के क्षेत्र के चुरुणू में सचिन पायलट ने जनसभा में कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार बता रही है, इनका शिमला वाला इंजन जनता 12 नवंबर को सीज कर देगी, दूसरा इंजन 2024 के चुनाव में सीज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज अमीर और गरीब की खाई लगातार इसी तरीके से बढ़ती जा रही है, लगातार यहाँ पर तंज कसते नजर आए सचिन पायलट। अगर भाजपा सरकार में इतना दम है और प्रदेश में काम किए होते तो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं मांगने पड़ते। चुनाव में वोट मांगने के लिए छोटे से हिमाचल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत दर्जन नेताओं का हिमाचल में आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि डर लग रहा है। अब आपने खबर तो जानी कि सचिन पायलट ने किस तरीके से बेबाक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से अब ये है कि क्या सच में आपको लगता है कि हिमाचल में इस बार भाजपा नहीं आ पाएगी, कांग्रेस पार्टी आ पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट ही है जो कांग्रेस पार्टी की नैया को पार लगा सकते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही है, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए
नए नए पोशाक पहनकर नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति बिरादरी समुदाय धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपके क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत परेशानी मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने भाजपा देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी हम लोगों को, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृत काल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100-1100 रुपए का हो गया, जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहाँ पता नहीं कितने का, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। सरकार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का, तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धर्म भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरुग्रंथ जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था, इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, हम उसको ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है, लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां वोट मांगने जा रहे हैं, 11 दिन का समय है, 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी, और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है, एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। उनको जयराम कर दो, जयराम जी कर दो और विदा करो। और हमारे नए पहलवान को जहां पे टिकट उनको दिया है, जो जिताकर एमएलए बनाना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी अगले 10 दिन और नेता आएंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन जिनको मौका दिया 8-9 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में, उन लोगों ने से पूछिए आप, पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति, किसान, दुकान चलाने वाला, उद्योगपति, मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति आज दुखी परेशान है। इसका एक ही उपाय है, व्यवस्था को बदलना है तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलने के लिए हमें भावना में नहीं बहना है, हमें सोचना है कि जिन लोगों को इतनी ताकत हम लोगों ने दी, और आप लोगों के साथ कमी नहीं छोड़ी आपने भी, जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, पिछली बार आपने पूरे जी खोल के वोट डाल के देखा,
परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन कर रहे, नौजवान सड़कों पर है, कोविड में जो मारामारी हुई सबने देखी है। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमें नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारीख को यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार में एक मजबूत हिस्सा उसका देवेंद्र भाई को बनाना है। यह आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूं आपसे ये निवेदन करने के लिए कि इस बार हम चूक ना जाएं और ऐसी हरियाली कर दो। अच्छा, छोटी मोटी जीत करा दी आपने, 1,000-5,000 की तो मजा नहीं आया। हरियाली ऐसी होनी चाहिए कि 32 साल का सूत समेत हमें पता पड़े कि यहाँ पे हजारों हजारों वोट्स यहाँ से उन्होंने जीत कर गए। आप लोगों ने नारा भी लगा दिया, हाँ भी बोल दिया, ताली बजा दी, लेकिन मैं भी बहुत कई सालों से सभाएं कर रहा हूँ। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो कि कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ में खड़े वो पीछे बैठे नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा है, जोर से दे रहा हूँ, ये आवाज शिमला तक आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप लोग जिता के भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सिंह।